मार्केटिंग बाय विजय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीसीजी मैट्रिक्स की बात करेंगे। बीसीजी मैट्रिक्स का मतलब होता है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। इसे हम ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के नाम से भी जानते हैं। कई बार इसे बोस्टन मैट्रिक्स या पोर्टफोलियो डायग्राम भी कहा जाता है। बीसीजी मैट्रिक्स को 1970 में ब्रूस डी हेंडरसन ने डेवलप किया था। बीसीजी मैट्रिक्स एक चार्ट है जो एक कंपनी को अपने बिजनेस यूनिट्स या प्रोडक्ट लाइंस को एनालाइज करने में हेल्प करती है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर कई सारे प्रोडक्ट लाइंस में डील करती है, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स इत्यादि। बीसीजी मैट्रिक्स हिंदुस्तान यूनिलीवर को यह डिसीजन लेने में मदद करती है कि रिसोर्सेस का इस्तेमाल या इन्वेस्टमेंट किस प्रोडक्ट लाइन में बढ़ाएं या घटाएं या स्थिर रखें। बीसीजी मैट्रिक्स एनालिसिस के लिए मार्केट ग्रोथ रेट और रिलेटिव मार्केट शेयर जैसे दो पैरामीटर्स का इस्तेमाल करती है। रिलेटिव मार्केट शेयर कैश को जनरेट करता है, जबकि मार्केट ग्रोथ रेट अगर अच्छी हो तो वो कैश का यूज करती है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इन दोनों पैरामीटर्स के आधार पर किसी भी कंपनी के बिजनेस यूनिट्स या प्रोडक्ट लाइंस को आप चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कैश काउ, स्टार, क्वेश्चन मार्क और डॉग। क्वेश्चन मार्क को प्रॉब्लम चाइल्ड भी कहते हैं। आइए अब एक एक कर इनके बारे में जानते हैं। कैश काउ या हिंदी में बोले तो दुधारू गाय। दुधारू गाय रखने का तो मतलब आप जानते ही हैं कि आप सबसे फायदेमंद स्थिति में हैं। बीसीजी मैट्रिक्स में भी इसका मतलब कुछ ऐसा ही है। कैश काउ उन बिजनेस यूनिट्स या प्रोडक्ट लाइंस को बोलते हैं जहां कंपनी का मार्केट शेयर हाई होता है जबकि मार्केट ग्रोथ रेट लो होती है। अब साबुन के मार्केट में पर्सनल सोप के मार्केट में ग्रोथ रेट लो है और लक्स का मार्केट शेयर हाई। इस केस में हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए लक्स कैश काउ है। किसी भी कंपनी के लिए कैश काउ होना जरूरी है, तभी आप इससे पैसे जेनरेट कर दूसरे कैटेगरीज के प्रोडक्ट में लगा सकते हैं और ये आपकी कंपनी को और ग्रो करने में मदद करती है। इसके बाद आता है स्टार कैटेगरी। स्टार कैटेगरी नाम की तरह ही स्टार है, मार्केट ग्रोथ रेट का भी और मार्केट शेयर का भी। इस कैटेगरी में मार्केट ग्रोथ रेट के साथ ही आपके प्रोडक्ट की मार्केट शेयर भी हाई होती है। ऐसा आप सैमसंग, एप्पल, शाओमी के साथ देख सकते हैं। इनके स्मार्टफोन्स इन कंपनीज के लिए स्टार कैटेगरी प्रोडक्ट हैं, लेकिन इस कैटेगरी में ग्रोथ रेट हाई होने के कारण एक कंपनी को मार्केट में सस्टेन करने के लिए काफ़ी कैश भी यूज करना पड़ता है। यही स्टार कैटेगरी बाद में ग्रोथ रेट कम होने पर कैश काउ बन जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर स्टार कैटेगरी कैश काउ में कन्वर्ट होती है तो स्टार कैटेगरी कहाँ से बनता है? स्टार कैटेगरी क्वेश्चन मार्क का प्रोग्रेशन है। आइए इसे समझते हैं। क्वेश्चन मार्क कैटेगरी में मार्केट ग्रोथ रेट तो हाई होता है लेकिन मार्केट शेयर लो होता है। अगर आप स्मार्टफोन के मार्केट को देखेंगे तो पाएंगे कि इस मार्केट में कई कंपनियां ऐसा भी है जिसका मार्केट शेयर काफ़ी कम है और कई का तो आप नाम भी नहीं जानते। ये सभी कंपनियां क्वेश्चन मार्क कैटेगरी में आती हैं। मार्केट शेयर कम होने के कारण इस कैटेगरी को प्रॉब्लम चाइल्ड भी कहा जाता है। अगर किसी कंपनी के पास दो या अधिक क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट हो तो कंपनी को यह डिसाइड करना जरूरी है कि किस क्वेश्चन मार्क पर पैसे लगाए जाएं और उसे स्टार कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाए। आइए अब बात करते हैं चौथे और आखिरी कैटेगरी की, जो डॉग कहलाती है। आपने सही समझा, इस कैटेगरी में प्रोडक्ट की हालत बहुत कुछ डॉग की तरह होती है। मार्केट ग्रोथ रेट भी लो और मार्केट शेयर भी लो, और ऐसे कैटेगरी को कोई भी कंपनी पसंद नहीं करना चाहेगी क्योंकि ना ग्रोथ है ना मार्केट शेयर। लेकिन फिर भी कई कंपनियां डॉग कैटेगरी को कंटिन्यू करती है और हटाती नहीं है क्योंकि इससे उनके प्रोडक्ट लाइन पर बहुत ही फेवरेबल इम्पैक्ट पड़ता है। आज के डेट में एप्पल के पास
कई सारे प्रोडक्ट हैं और रेवेन्यू के हिसाब से आईफोन सबसे ज़्यादा बिजनेस करती है। आईफोन स्टार कैटेगरी प्रोडक्ट है, जबकि आईपॉड एप्पल के लिए कैश काउ है। पर जो कैटेगरी एप्पल के लिए बहुत फायदेमंद नहीं है वो है डॉग कैटेगरी, जैसे आईमैक्स डेस्कटॉप्स। लेकिन एप्पल मैक्स के लिए भी जाना जाता है, इसलिए ये कैटेगरी को भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में रखना एप्पल के लिए बहुत ही जरूरी है। इन कैटेगरीज के बारे में ब्रूस हेंडरसन ने कहा है कि एक कंपनी की सक्सेस के लिए उसके पास पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कई अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स अलग अलग मार्केट ग्रोथ रेट के और मार्केट शेयर के होने चाहिए। इससे कंपनी अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल अच्छी तरह अपने स्ट्रैटेजिक ग्रोथ के लिए कर सकती है। उम्मीद है बीसीजी मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ना आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को लाइक करें और मार्केटिंग बाय विजय चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।